आज की सबसे बड़ी खबर है जिससे आपको आगाह करने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मंशा बम की गिरफ्तारी का मामला पुलिस ने मंशा बम को मुबैना तौर पर हिरासत में लेकर छोड़ दिया। मंशा बम को गिरफ्तार करने की कोशिश की मगर वो फरार होने में कामयाब हो गया। एसपी सदर माज जफर, मंशा बम को छोड़ा नहीं बल्कि वो मजाहमत के बाद फरार हुआ है, पुलिस का हुकाम का ये कहना है। इस बारे में मजीद तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे उमर जावेद से। जी उमर जावेद, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है? सुप्रीम कोर्ट ने एक कब्जा माफिया मंशा बम को गिरफ्तारी का हुक्म दिया है लाहौर पुलिस को, लेकिन 5 रोज गुजर जाने के बावजूद लाहौर पुलिस मंशा बम को गिरफ्तार नहीं कर पा रही। लेकिन अब एक खबर जो है वो सामने आई है कि गुज़िश्ता रोज लाहौर टाउन के इलाके में मंशा बम 12 बजे से 1 बजे के दौरान अपने डेरे पर गया, जहां पर लाहौर पुलिस को पहले से इतला थी कि वो वहां पे आएगा। वहां 2 कांस्टेबल्स को तैनात भी किया गया था। जब मंशा बम वहां पे आया और कांस्टेबल ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो वो वहां से फरार हो गया, लेकिन वहां पे अपनी गाड़ी छोड़ गया। पुलिस का मानना ये है और पुलिस का दावा ये है कि मंशा बम को हमने फरार नहीं कराया बल्कि मंशा बम मुजाहमत के बाद वहां से फरार हुआ है और जाते हुए अपनी गाड़ी भी छोड़ गया है, जिसका मुकदमा जौहर टाउन में दर्ज कराया जा रहा है। लेकिन पुलिस जराये का कहना है हमारे कि पुलिस को कंफर्म इतला थी कि मंशा बम यहाँ पर आएगा, तो कई सवाल पुलिस की कारकर्दगी पर उठ रहे हैं कि अगर उनको ये पता था कि मंशा बम वहाँ पे आएगा और एक इंतहाई मतलूब इश्तिहारी जो 80 से 86 मुकदमात के अंदर मतलूब है, दहशतगर्दी की दफात उसके खिलाफ है, डकैती मुजाहमत कब्जे की दफात उसके खिलाफ दर्ज है, तो वहाँ पे सिर्फ 2 कांस्टेबल क्यों लगाए गए थे। और हमारे जरा ये भी दावा कर रहे हैं कि दोनों कांस्टेबल जो है उनको जो मंशा बम के साथ इक्विटेंसी से उसके जो बंदे थे उन्होंने पकड़ के कमरों में बंद कर दिया था और वो वहां से फरार हुआ। लेकिन पुलिस जो है वो इस चीज को कहती है कि मंशा बम मजामत के बाद वहां से फरार हुआ और उसको दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन गुज़िश्ता 5 रोज में पुलिस की जितनी भी ऑपरेशन विंग, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऑपरेशन विंग की जिम्मेदारी लगाई है कि उन्होंने पकड़ना है, लेकिन ऑपरेशन विंग तमाम तर अपने छापों के, तमाम तर अपनी पॉलिसीज के अब तक एक शख्स मंशा बम जो लाहौर में ही पे रहा है उसको गिरफ्तार करने से कासिर है। और गुज़िश्ता रोज भी उसको पकड़ा जा सकता था, लेकिन दावा जराये की जानिब से ये किया जा रहा है कि उसके साथ साज बात करके उसको छोड़ा गया है। उमर जावेद, ये बताएगा कि मंशा बम तो बड़ा कानून से भी आगे बढ़ता नजर आ रहा है कि अरबों रुपए की अराजी इससे वागुजार करवाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन ये हत्थे नहीं चढ़ा। आपकी पुलिस हुकाम से बात हुई इस मामले पर, तो पुलिस हुकाम का क्या कहना है? निजामी साहब, जो मुतलका एसपी हैं मौज जफर, उनसे मेरी टेलीफोन के ऊपर बात हुई, उन्होंने कहा है कि वो उसको हमने छोड़ा नहीं है बल्कि वो फरार होने में कामयाब हो गया है, उसकी गाड़ी हमने कब्जे में ले ली और उसके खिलाफ थाना जौहर टाउन में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जो हमारे जराये हैं वो ये बताते हैं कि मंशा बम को रात को साज बाज करके छोड़ा गया है, क्योंकि पुलिस के पास कन्फर्म इतला थी कि मंशा बम रात को 12 से 1 बजे के दौरान जौहर टाउन आएगा और वहां पे वो क्याम भी करेगा। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने सिर्फ 2 कांस्टेबल जो थे वो वहां पे तैनात किए थे और पुलिस ये कह रही है कि दोनों कांस्टेबल से वो अपने आप को छुड़ा कर